वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। नादिया ने पेंट करना शुरू कर दिया है क्योंकि हम हमें डेमो देने वाली थी। तो नादिया, आप क्या बनाने वाली हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। जी श्योर, मैं जरूर बताऊंगी आपको। हम यहाँ एक फ्लोरल बंच बनाएंगे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो मैं सेट कर सकूं, ठीक है। उसके मुताबिक आप देख सकती हैं, मैंने स्टार्ट तो अब कर लिए। सही है, करते हैं कि इसको हम ला कर सकें। जब तक नादिया करिए, मैं साथ साथ नादिया के थोड़े से कपड़े भी आपको दिखा देती हूँ ताकि हम उसके हवाले से भी। अच्छा जी, ये हम लेंगे नादिया, इस ड्रेस के हवाले से हमें बस बताएं थोड़ा सा। और मेरी पेंटिंग पे बेस करता है ये डिजाइन। ये रल्ली शर्ट है जो पर्ल वर्क के साथ जो है, मैंने सारा इस पे काम करवाया हुआ है। एवरीथिंग आप देख रही हैं, ये भी हैंड पेंटेड मेरा कम्प्लीटली। आप देख, थर के इलाकों के जो हमारे कलर्स होते हैं ना, ये वो सारे मैंने वहां से, ट्रेडिशनल, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेरा ये ड्रेस है वाला। आप देख सकती हैं इसको, बिल्कुल इसके ऊपर जो टेसल्स भी लगे हुए हैं वो भी आप देखिए, उसके उसी के अकॉर्डिंग, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग मैंने लगवा दिए। अच्छा जी, नादिया के जो इस तरह है, इनमें शॉल्स भी हैं, और नादिया शॉल्स के हवाले से भी बनाएंगे। ये देखें, दिस इज वेरी नाइस। स्कार्फ्स भी हैं, स्कार्फ्स भी हैं, स्कार्फ्स भी हैं। ये जो गर्ल्स आजकल इस पे वो उड़ती हैं, आप हिजाब लेती हैं, अब वो भी बहुत मजे से इसको लिया जा सकता है। वो डेमो परफेक्ट, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वेरी नाइस। ये भी मेरी ही वो फाइल्स उन्हीं डिजाइन्स पे, उन्हीं पे बेस करते हैं। अच्छा सर, मैं आपकी जानिब भी आऊँ, हम जरा बात करें अगर लैंग्वेज के हवाले से। तो आपने भी कहा कि इस दिन को हम आज सेलिब्रेट करते हैं, मदर लैंग्वेज डे। क्या इम्पोर्टेंस है और आगाज कैसे हुआ इस दिन को मनाने का? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि असल में ये दिन भी जो है, ये हमारी ही वजह से बनाना शुरू हुआ है। अच्छा। बदकिस्मती, जैसे मैंने अभी बात की है कि हम पर ये कुछ अजीब सा चक्कर है हम पर चल रहा, कि 1951-52 में एक तहरीक चली थी मशरकी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से एक तहरीक चली थी कि उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। ये तो असूल होता है बहरहाल, कि अब हम भी कहते हैं कि हमारी जो चार जुबानें हैं ये सारी कौमी जुबानें हैं, और साथ में उर्दू भी हमारी कौमी जुबान है जो राबता जुबान है, और बंगाल को कौमी जुबान के सिलसिले में वहाँ जुलूस निकलना शुरू हुए। तो 1951-52 में वहाँ जुलूस निकला, तो उस पर पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि वहाँ पर हुकूमत ने गोलियाँ बरसा दी तलबा पर, तो कई तलबा शहीद हो गए थे बांग्लादेश में। तो उसी वजह से उस दिन, वो आज का ही दिन था, 21 फरवरी था। सही। तो फिर यूनिसेफ ने और यूनेस्को ने इंटरनेशनल तौर पर ये कहा कि इस दिन को माँ बोली दिहाड़ के दिन से मनाया जाए, माँ बोली दिहाड़ के दिन, जिससे मदर लैंग्वेज डे कहा जाता है। लवली। तो वो इस तरह, यानी इस दिन का आगाज हुआ, तो अब हम मना रहे हैं, सब पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। तो इसमें माँ बोली जो है या मदर लैंग्वेज जो है, उसकी अहमियत भी बताते हैं लोगों को, और साथ में ये भी बताया जाता है कि इसी जुबान में तालीम बच्चों को दी जाए, जो अब हमारी कौम यह मुतालबा भी कर रही है। हाँ। पंजाब के लोग भी कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो इस मामले में माशाल्लाह सेंसिबल है, वो चाह रही है कि तालीम का रेशो अलग हो। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर हमारे इस तरह कर दिया जाए, निसाब जो है मुकामी जुबानों में बना दिया जाए, तो आप एक साल में ही देख लेंगे कि जहाँ हमारा 28 से 30% तक हम कहते हैं तालीम का रेशो है, वो इंशाल्लाह एक साल में ही 70% तक जा सकता है। अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है जनाब, मदर लैंग्वेज डे के हवाले से तो हम बात करें, और साथ साथ हम नादिया को भी फोकस रखेंगे। नादिया कुछ जबरदस्ती चीज बना रही है। नादिया, क्या है और कौन से कलर्स का आपने इस्तेमाल किया, ये भी हमें बताएं। हम फैब्रिक पेंट इस पे यूज कर रहे हैं इस वक्त, डायरेक्ट मैं इस पे पेंट कर रही हूँ, आप फैब्रिक आप देख सकती हैं। अच्छा, इसके लिए आपने कोई स्केच या कुछ भी नहीं? नहीं, मैं डायरेक्टली भी कर लूंगी, प्रॉब्लम नहीं है। अभी बंच जो है वो बंच मुश्किल नहीं है, इस टाइम के अकॉर्डिंग जो मैं कर सकूंगी मैं वो आपको बस करके दिखा रही हूँ। जबरदस्त। नादिया, आपको अपने कपड़ों में तो अच्छी खासी आसानी होती होगी, आपने खुद भी इतना कलरफुल सा ही पहना हुआ है। पहना हुआ है, ये मेरा खुद का प्रिंट, बिल्कुल ये मेरा फेवरेट भी है। अच्छा, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और ये प्रिंटिंग वगैरह, इसका ट्रेंड कितना ज्यादा देख रही है आजकल आप? इसका ट्रेंड बहुत बहुत ज्यादा, मैं अपने एंड से देखती हूँ, बिल्कुल ऐसा है, बहुत क्रेज हो गया है। अभी अवेयरनेस इतनी शदीद है लोगों में, कभी कहते थे कि शायद बहुत कम था कि इसके हवाले से, लेकिन अब जो बंदियां हैं, गर्ल्स हैं इवन, वो अपने कलर्स, अपने कट्स के लिए बहुत कॉन्शियस हैं पीपल आज, बहुत, बिल्कुल। ये देखें जनाब, ये इतना मॉडर्न कट है कि इसके साथ हुडी भी है। हुडी भी है, बिल्कुल ऐसा है, हुडी हमने स्टाइल शर्ट के साथ दिया। हाँ। तो इसको मॉडर्न की तरफ लेके जाते हैं, वैसे ट्रेडिशनल है बहुत, जो प्रिंट देख रही हैं वो देखें आप, तो वो बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन उसको कट में चेंज लेके आए हैं कट। मतलब ड्रेसेस आर वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू। मतलब क्योंकि समटाइम्स आप प्रिंट्स पहन के एक ही तरह के, फिर आप एक ही तरह के कपड़े पहन पहन के बोर भी हो जाते हैं, कुछ चेंज आपको हमेशा चाहिए होता है। और यहाँ पर जो कलर्स हैं और जो इन्होंने बनाया, मुझे लग रहा है नादिया ने ये हाथ से बनाया इसके बाद।
है ना, ये देखें, हाँ ये हाथ से बनाया, ये है, हाथ से बना हुआ है, बिल्कुल वाइट के ऊपर कलर्स कुछ ऐसा ही। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा ले आए इसके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कोशिश कर। अच्छा जी, ये इसी तरह का कुछ मिलता जुलता, कुछ है, मिलता इसमें कलर ज्यादा है और उसमें वो कलर्स हाँ, इस तरह से इस्तेमाल बिल्कुल, वो थोड़े लिमिटेड। और साथ में एम्बेलिशमेंट का काम भी आप नादिया करती हैं इसके ऊपर? एम्बेलिशमेंट बिल्कुल मैं सैम्पलिंग खुद करती हूँ। अच्छा जी, ये वाला देखिए, सैम्पलिंग खुद होगी, ये उठाने में थोड़ा हैवी है बिल्कुल। अच्छा दिस इज अबाया और ये मुझे लगता है नीचे से निकल आया। ये देखें जनाब, जो अबाया पहनती हैं खवातीन उनके लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल है कि आप इस तरह का स्टाइलिश का स्टाइलिश है, पूरा एक पीकॉक और विद द फिरोजा फिरोजा वर्क इसके साथ आप स्काफ भी मैच कर सकते हैं। स्काफ के अंदर ही आप देखिए, निकालिए आप अंदर उसका मैचिंग बिल्कुल लवली, उसका कॉर्नर हमने प्रॉपर बनाया हुआ है स्काफ का, जबरदस्त जबरदस्त। इसको स्काफ भी दिखा देते हैं, बिल्कुल दिखाएं। ये देखें जनाब, हिजाब लवर्स जो है, और मैंने तो अक्सर खवातीन को देखा जो हिजाब लेती है ना, वो हमेशा नए से नया ढूंढती हैं या ट्राई कर रही होती है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि ये सारी चीजें उनके लिए हो जाएं, जबरदस्त। अच्छा नादिया, फर्दर क्या एक्सपैंड करने का प्लान है इसको, क्या आपने कहीं इसको प्रॉपरली स्टोव वगैरह या कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत फ्यूचर में प्लान्स हैं आपके? मस्ट है, मस्ट है, बिल्कुल करना है, साथ साथ इसको करना है, एग्जीबिशन पे भी जो है वो फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करना है डिफरेंट जगहों पे, इंशाल्लाह डिस्प्ले देंगे हम अपना, जबरदस्त। चले नादिया, जब तक ये कर रही है हम सर से भी बात कर लेते हैं। सर, चूंकि आप पंजाबी पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है कितना स्टूडेंट्स में रुझान है पंजाबी के हवाले से, सीखने के हवाले से? देखें जी, आजकल जो दौर है इसे हम कमर्शलिज्म का दौर कहते हैं। आज से चंद साल कबल तो लोग इल्म हासिल करते थे महज इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हमारे बच्चे और बच्चियां वो चाहते हैं कि हम जब तालीम हासिल करके फारग हों तो हमें कोई ना कोई जॉब मिल सके और हम अपने जो कुछ अर्न कर सकें, कुछ ज़िंदगी को अच्छा अपना स्टेटस बना सकें, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें। तो चूंकि अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ज़ुबान को तरक्की देनी है तो उसे लाजमन कमर्शलिज्म के साथ जोड़ देना चाहिए, उसको मुआशियात के साथ जोड़ना चाहिए, फिर ही वो ज़ुबान तरक्की करेगी। तो जैसे ही हमारा ये तालीमी निज़ाम शुरू होता है, अगर जुबानों को उनका हक मिल जाता है, हमारी चारों जुबानों को, सिंधी भी है, बलोची है, पश्तो है, पंजाबी है, सब हम भाई हैं, एक मुल्क में रहते हैं, हमारा एक ही मुल्क है, तो अगर हम इन जुबानों को उनका हक देते हैं, उनमें तालीम शुरू हो जाती है, तो हमें उम्मीद है कि वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। फिलहाल जो है बच्चे जो हैं वो चंद हैं, अभी ज़्यादा मसलन पंजाबी है, सिंधी है, आप दीगर जुबानों में देखें उसमें इतने बच्चे नहीं आते। बिल्कुल, मतलब बच्चे साइंस में ज्यादा इसलिए जाते हैं कि अगर कोई जॉब नहीं भी मिलती हाँ। तो कम से कम बच्चों को ट्यूशन मिल जाती है, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टीचिंग का एक शोभा उससे वाबस्ता हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी आप ये बात कर रहे थे, अभी फैशन की बात नादिया साहब कर रही है, तो मैं तो ये कहूंगा जब अपनी जुबान बंदा पढ़ता है ना, तो अपनी जुबान हमारी तहजीब को पैदा करती है, हम अपनी तहजीब के बारे में सोचते हैं, फिर हमारा जो फैशन होगा वो भी हमारा अपना होगा, दूसरों से नकल करने की बजाय हम खुद बनाएंगे, हमारे लोग माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। तो जुबान ही सबसे अहम मसला होती है जो हमारी तहजीब को भी बचाती है, हमारी सकाफत को, हमारे रहन सहन को, हमारे सारे माहौल को हमारी जुबान बनाती है। आपको लगता है आजकल के दौर में हम उस जानिब दूरी पे जा रहे हैं या हम इसको अडेप्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम फिलहाल दूरी पर ही है। वैसे हमारी हुकूमत ने 1973 के आइन में, हमारी वफाकी हुकूमत ने हक दिया है कि चारों सूबे अपनी जुबानों में तालीम दे सकते हैं, और सिंधी में तो शुरू हो चुका है ये काम, पश्तो में भी हो रहा है, तालीम दी जा रही है मादरी जुबान में, लेकिन अभी पंजाबी में यह शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है कि अनकरीब हमारी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इससे हमें उम्मीदें हैं कि ये माशाल्लाह बड़ी सेंसिबल हुकूमत है, इमरान खान बहुत मतलब सेंसिबल हैं, कोशिश करेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो दें। अच्छा जी नादिया, कहाँ तक पहुँचा आपका काम, हम आपकी जानिबी आ जाए, जरूर आ जाए, और कितना रह गया है और कितना हो गया है? कितना हो गया है, कुछ कोशिश है, कुछ हो जाए। हाँ। अच्छा कलर्स वाइट के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा प्रिंट्स, ब्लैक और वाइट हमेशा से एक कलर रहता है, बिल्कुल ऐसा मैं कोई ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये स्प्रिंग के कलर्स भी कुछ जरूर देखना, मैं ये देखें जनाब, ये कुर्ता है और ये येलो में है, ये देख लें, आई डायरेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है इसमें हमने, और ये भी हैंड पेंटेड है, हैमिंग बर्ड पेंट किया हुआ डायरेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, हैंड पेंटेड बिल्कुल। कलर्स वैसे थोड़े ब्राइट लगते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं नादिया, और कुछ नहीं करते ना एक्सपेरिमेंट। हाँ, करना चाहिए, मेरा ख्याल है करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, आप उसमें स्टक ना हो जाएं
कि उन कलर्स नहीं, हमारे लोगों को आदत भी होती है, बस वो एक चेंज देख के जल्दी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अच्छा जनाब, चूंकि मेरे पास टाइम कम है, नाजिया पेंट कर रही है, मैं उतनी देर में सर से एक मैसेज ले लेती हूँ। सर, आज के दिन के हवाले से, टॉपिक के हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी कौम से भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो जो हम पर एक दौरे गुलामी था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वो मुल्क जैसे जर्मन, चाइना, जिन्होंने इंग्लिश को बोलना शजरे ममनुआ करार दे रखा था, वो भी बोलते हैं। तो हर्ज कोई नहीं है, एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, उसको हम सीखें हमारे बच्चे। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो कौम है उसे चाहिए कि अपनी ज़ुबान को भी अहमियत दें। और ये बहुत बड़ी सूफिया की ज़ुबान है, इसमें बड़े बड़े सूफिया इकराम हैं जिनका शेरी वर्षा जो है बाबा फरीद गंज शक्र से लेकर ख्वाजा गुलाम फरीद तक, ये तमाम रूहानी सूफिया भी थे जिन्होंने कौम को रूहानी दर्श दिया है। और रूहानियत एक ऐसा शोबा है जिससे कौम तैयार होती है, कौम की एक तरबियत होती है कि कौम जो है वो आपस में बटने की बजाय एक बने, जुड़ती है। ठीक, बाबा फरीद हों, बाबा फरीद गंज शक्र हों, शाह हुसैन लाहौरी हों, बुल्ले शाह हों, उनकी जब आप उनके कलाम को पढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है, मोहब्बत का दर्स दिया है। तो उनके करीब जितना हम होंगे उतना ही हमारी कौम में आज के दौर में जो रवादारी तहम्मुल की बात हो रही है तो वो भी हम इन्हीं से सीखेंगे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह हमारी कौम फिर और भी तरक्की करेगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नादिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और इतना जबरदस्त काम लेकर आई। और डेफिनेटली जनाब, हमने नादिया की चीजें कलेक्शन भी, आप नादिया का पेज भी विजिट कर सकते हैं, और नादिया ने पेंट भी कर दिया। मैं चाहूंगी एक फाइनल लुक भी दिखा दी जाए कैमरे की मदद से। तब तक मैं आपसे इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और आज का शो अगर आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।